हेलो गाइज, गेम में यहाँ पर देखो मिस्ट्री शॉप आ चुका है, 90% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और अभी आप देखो यहाँ पर टाइमिंग 4:20 हो रहा है, तो अभी हम चलो यहाँ पर मिस्ट्री शॉप को स्पिन करते हैं। एंड चलो अभी मैं यहाँ पर से कट करता हूँ। कट करने के बाद देखो आपको मिस्ट्री शॉप यहाँ पर 7 डेज के लिए देखने को मिलता है, मतलब 6 डेज 24 आवर आपको देखने को मिलेगा। तो समझो यहाँ पर आपको टाइमिंग शो होते रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्ट्री शॉप पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। मिस्ट्री शॉप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्राई योर लक देखने को मिलेगा। आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मतलब मिलता है वे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। 5%, 10%, 50% या 80% या 90%, लास्ट 90% तक डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर ट्राई योर लक पर क्लिक करते हैं। इसमें किस्मत देखो भाई कुछ भी नहीं है, आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो अच्छी डिस्काउंट मिल सकता है। एक ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, कुछ देर यहाँ पर ट्राई योर लक पर क्लिक करके रखेंगे, क्योंकि आपका भाई जब भी मिस्ट्री शॉप में स्पिन करता है तो वहाँ पर कुछ देर मतलब क्लिक करके रखता है, मतलब जैसे मान लो 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, जिसके द्वारा उससे लक अच्छी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई योर लक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अभी हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, बड़े हिसाब से यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर जो नंबर रहती है, नंबर को अच्छे से देखो। आपको मतलब देखो यहाँ पे एक अजीब जैसा कुछ आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब भाई ऐसी कोई मशीन थोड़ी लगी है कि मैं इनको एकदम स्लो करके देख सकता हूँ। तो अब नॉर्मली बहुत देर होने के बाद यहाँ पर आपको देखते देखते आपको स्टॉप कर देना है, मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं वे नंबर आ रहा है लेकिन वे नंबर से थोड़ा पीछे करना है। समझ रहे हो मैं कहीं क्या प्रयास कर रहा हूँ। अब नॉर्मली क्या करना है, चलो मैं स्टॉप पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक किया, देखो मेरे भाई 85, वहाँ पर 65 के करीब आने वाला, तो मैंने तुरंत यहाँ पर इंटर किया तो 85 मेरे को मिला। तो भाई 85 कम नहीं होता मेरे भाई, बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास करके भाई मैं मतलब आपको पता है बहुत कुछ इस आईडी में क्या क्या नहीं करता। ये मेरी पर्सनल आईडी है, जिसे मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को, अब मैं देखो भाई ये मैं कोई नॉर्मल आईडी में करके आपको नहीं बताया हूँ। अब वे डिपेंड करता है देखो भाई हर बंदे में ट्रिक यूज होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपको इसी प्रकार का कोशिश करना है। अगर आपने पहले कर दिया तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा कॉमेंट में करना। और ये मेरी बहुत मतलब ये मेरी पुरानी आईडी है, मतलब मेरी ओल्ड आईडी है, इसलिए नई आईडी समझने की भूल मत करना। तो मैंने उस आईडी में आपको यहाँ पर 85% डिस्काउंट निकाल के दिखाया। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना 6 डेज 23 आवर चलने वाला है। और मिस्ट्री शॉप में आपको नॉर्मली क्या क्या देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। डस्ट डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर एटम्स को यहाँ पर परचेज करते हो तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। अब इसमें आपको ईबो टोकन्स देखने को मिले होंगे तो खरीद लेना, लेकिन गरीना शायद ईबो टोकन्स पर बहुत कंजूसी करता है आजकल मिस्ट्री शॉप में, और सेम इसी प्रकार का गरीना मिस्ट्री शॉप में नहीं दे रहा है। अब देखो भाई 29 डायमंड में ये इमोट मिल रहा है जो मेरे पास नहीं है, तो भाई खतरनाक इमोट है वैसे, मानना पड़ेगा। चलो इनको परचेज करते हैं। तो भाई पहले सबसे पहले यहाँ पर इमोट को हम परचेज कर लेते हैं। करने के बाद अब देखो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विच करने का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले तो आपका भाई यहाँ पर ईबो टोकेंस को देख रहा है जो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ओ यहाँ पर भैया वाला आपको ग्लोबल भी देखने को मिल रहा है 2024 वाला, तो भाई मानना पड़ेगा वैसे इतनी भी खराब खराब नहीं है, लेकिन कोई आइटम्स है नहीं भाई। अब ओल्ड मिस्ट्री शॉप भाई अब नहीं देता गरीना बे। यहाँ पर चलो बंडल्स को देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फीमेल्स का बंडल को देखते हैं। बंडल्स देखो भाई ठीक ठाक है, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो वैसे। मेरे को तो भाई सस्ते मिल रहा है तो मैं आपको निकाल के बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि भाई इतना महंगा में तो नहीं मिल रहा है। और मस्ट है भाई बंडल, ओपी इंड चैट है 179, और फीमेल का भी ठीक ठाक है। अब भाई देखो कैसे निकलेगा मैं ये चीज़ बताता हूँ, क्यों आपको निकालने के लिए आपको जो डायमंड होता है ना 99 को वेस्ट करना होगा। जिससे मेरे को 99 डायमंड वेस्ट करूँगा तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। अब इसमें देखो यार कोई आइटम्स नहीं है अच्छे अच्छे जिसको हम परचेज कर सके। यहाँ पर देखो क्या आइटम्स को परचेज करोगे, घंटा अच्छा नहीं है भाई, बेकार है यार। अब इसमें देखो यार गरीना, यार ईबो टोकन सब कहाँ गए,
कहाँ गए इबो टोकन्स? तो मेरे भाई देखो, इबो टोकन्स अब इसमें नहीं, एकदम बेकार है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मिस्ट्री शॉप में इबो टोकन्स जब तक ना हो, आप लोग बताओ एकदम बेकार है कि नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप लोग इबो टोकन्स को सस्ते में परचेज करना चाहते हो, मैं बताऊँ, मेरे व्हाट्सएप पर जाकर जरूर फॉलो करना। वहाँ अगर आपके मेरे को भाई हमेशा मैं नोटो आपका सलाह देता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ आप लोग पैसे के लिए जाओ। अगर आप लोग इबो टोकन्स लेना चाहते हो, जो बंदे लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पर जाएँ, वहाँ पर आपको गिविंग गेमर पर क्लिक कर इबो टोकेंस का आपको प्राइस देखने को मिलता है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छा इबो टोकेंस सस्ते में मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट परचेस करोगे तो डायरेक्ट आपको इतना टोकन इतना रुपीज में मिल जाएंगे, डायरेक्ट इबो टोकेंस मिलेंगे बॉक्स के साथ। और मैं इस पर वीडियो भी बनाया हूँ, इबो टोकन मैक्स करके कोबरा MP40 में मैक्स करके वीडियोज भी बनाया हूँ। इसलिए मेरे भाई उस वे 100% रियल है, कोई फेक नहीं है। अगर आप लोग देखो यार, पैसा वैसा नहीं लगाते हो गेम में, एकदम फ्री वन डे हो, तब भी जाके फॉलो करना है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं फ्री में देता हूँ। वे रिडीम कोड कभी कभी देता हूँ, या कुछ भी इवेंट रिगार्डिंग हो, जैसे मिस्ट्री शॉप आने वाला है कुछ भी, तो मैं वे भी बता देता हूँ। इसलिए मेरे भाई नए हो तो जाकर जरूर फॉलो करना है। जो ओल्ड ऑडियंस है उनको तो भाई फॉलो करके रखा ही है, जो मुझे देखते हैं हमेशा। इसलिए मेरे भाई फॉलो जरूर करना। अगर जिसको इबो टोकन्स परचेस करना है तो वहाँ पर से नॉर्मली आप लोग कॉन्टैक्ट करके इबो टोकन्स ही परचेस कर सकते हो। लेकिन अब भुकाना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जिसको इबो टोकन्स परचेस करना है उसी को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? मैंने बता दिया। अब चलो मेरे भाई, अब मैं इनको जल्दी निकालता हूँ, क्योंकि कोई आइटम्स नहीं, एकदम टट्टी है। तो अभी हम कुछ परचेस कर लेते हैं स्पीड से। तो अभी क्या करें, ये बैकपैक चलो कर लेते हैं, 44 में डायमंड में दे रहा है भाई, टट्टी है। तो भाई मैं क्या बता सकता हूँ, एकदम बेकार है भाई। मॉर्निंग में मेरे को लगा अच्छा अच्छा चीज़ गरीना देगा, लेकिन गरीना ऐसी करके बैठा हुआ है। तो ये वो बुइया वाला, चलो इमोट ही ले लेता हूँ। वैसे इमोट के अलावा क्या बताऊँ, इमोट वो हो गया क्या, वो 99 हो गया भाई। मैं फिर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। बंडल्स को चलो परचेज करते हैं ना, 99 हो गया तो भाई बंडल्स को परचेज करो, है ना, बंडल्स को परचेज करो। बंडल्स कैसा है आप सबने देख लिया, यहाँ पर देख लो बंडल्स कैसा है, फिर मत बोलना कि मंडे भाई मैंने नहीं देखा बंडल। ओपन कर देता हूँ वैसे, और स्विच कर देता हूँ, वो स्विच कर दिया। फीमेल बंडल भी परचेस करना, उसके लिए 99 डायमंड चाहिए। एंड इसमें देखता हूँ, बे दोनों में सेम ही है रिवार्ड्स, ऐसे के टैसे करो भाई, 85% या 90% भी दे दो भाई। घर ही ना हो वैसे तुम्हारी कौन परचेस करेगा, सही बोल रहा हूँ ना। तो 59 चलो ग्लोबल। बे और कुछ डायमंड लगाना पड़ेगा, किसमें सबसे सस्ता बैनर है, बैनर अपटार है, 29 बैकपैक। चलो चलो मेरे भाई अब हो गया, अब इसको भी परचेस करो। तो मेरे भाई ये मिस्ट्री शॉप का मैंने आपको सारा चीज़ परचेस करके बता दिया, फीमेल बंडल रहे या मेल बंडल रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मिस्ट्री शॉप एकदम बेकार है, ढंडन है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जाकर जोर फॉलो करें, ठीक है, वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, और कमेंट करके जोर बताएं कि आप लोग को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, एकदम टट्टी मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप नहीं, इसको क्या बोलेंगे, मिस्ट्री शॉप। क्योंकि भाई अब मिस्ट्री शॉप सिर्फ नाम का रह गया है, काम का नहीं मेरे भाई। चलो गाइस मिलते हैं तुम्हें श्री मज़ेदार वीडियोज में, टाइट टाइप, बाय बाय।